नमस्ते गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह से फैल चुका है और उसके लिए जो हमारे गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप उठाया है कर्फ्यू का, जो 21 डेज का लॉकडाउन हुआ है, तो वो हमारी भलाई के लिए है और हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, जिसकी वजह से हम बच सकें, हमारा परिवार बच सके और हमारा जो देश है वो इस वायरस से सेफ हो सके। तो हमें जितना हो सके हमें घर पे रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है और अच्छे से अच्छे हम कोशिश करेंगे टाइम स्पेंड करने की, जिसकी वजह से हम सब सेफ हो सकें। तो गाइस, बात ऐसी है, इटली वालों ने भी यही सोचा था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घर पे बैठ के क्या करना। तो आज वहाँ इतना फैल चुका है कि मतलब कंट्रोल में नहीं है। वहाँ के प्रधानमंत्री रो रहे हैं, वहाँ के जो जनरल हैं, मेजर हैं, सबका न्यूज़ पे ऐसे आ रहा है कि मतलब उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। तो ऐसी गलती मत करो, घर से घूमना, घर से निकलना सब बंद कर दो, क्योंकि यहाँ की पुलिस ऐसी है कि जब तक मारे ना लोगों को घर रुकते नहीं हैं लोग, ठीक है ना। तो ऐसा मत करो कि पुलिस वाले अपना ऐसा बिहेवियर अपने सामने लाएं, मार मार के अंदर भेजें आपको, तो ऐसा मत करो कोई भी, ठीक है। क्योंकि ये अगर फैलना शुरू होगा इंडिया में तो कंट्रोल भी नहीं होगा, इंडिया में कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए सब मतलब जो भी देश की गवर्नमेंट है, सभी ने मोदी जी को नमस्कार किया, हाथ जोड़ के कि काश हम ये स्टेप पहले अपने देश में उठा लेते कर्फ्यू वाला। तो आज ये कर्फ्यू इसलिए क्योंकि इसकी चेन टूट जाए इंडिया में। इंडिया में मतलब अभी तक 648 केसेस है टोटल, लास्ट 48 आवर्स में गुड़गांव में कोई भी केस नहीं है अभी तक। और प्लीज़ पॉजिटिविटी रखिए अपने माइंड में। हाँ जी, तो आज के अकॉर्डिंग जो आज का डेट है WHO के अकॉर्डिंग, WHO ने ये बोला आज तक के जो कन्फर्म केसेस हैं, 4,65,915 केसेस अब तक के टोटल। और आज अब तक की आज तक की जो टोटल डेथ है, मतलब डेथ हो चुकी हैं, वो है 21,031 डेथ। और टोटल ये 199 यानी कि 200 कंट्रीज में फैल चुका है। अब सोच लो ये मतलब कोई कंट्री बची नहीं है इससे। और गाइस, ये तभी कंट्रोल हो सकता है हम जितना ज़्यादा घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे। हाँ, घर पे रहो, काम करो, अपना जो मर्जी करो, फ्री टाइम है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब कुछ घर पे आ रहा है, तो क्या दिक्कत है। वैसे भी जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं हमें, उसके लिए तो कुछ शॉप्स खुली हैं, परमानेंट बंद नहीं है कुछ भी। तो बस ये है अपना, जो घर से कम निकलो, बस घर पे घर से निकलने बंद कर दो और अपने परिवार को टाइम दो, अपने फैमिली को फोन कर लो, गेम्स खेलो, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, हम वो कर सकते हैं। हाँ, घर पे रह के बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। 15th of April तक हमें जैसे भी करके मैनेज करना है, सबको घर पे रखना है, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को बोलो घर पे रहें, एक दूसरे घर आना बंद कर दो थोड़े दिन। साथ साथ हमें अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रखना है और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक हमें हैंड वॉश करने हैं टाइम टू टाइम, हैंड सैनिटाइज करने हैं एंड हेल्दी मील लेना है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके और हमें अपने आप को सेफ रखो, अपने आप को सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, ग्लव्स, बिना फालतू किसी से मिलना नहीं है और बढ़िया अच्छी हेल्दी मील्स लेनी है। बस इससे क्या होगा कि अपने आप को सेफ रखो, अपना तो कर ही सकते हो अपने लिए, इतना इतना बड़ा मोदी जी ने हाथ जोड़ दिए सबके सामने कि भाई टिक जाओ घर पे, टिक जाओ। 21 डेज का इतना बड़ा बंदा अगर हाथ जोड़ रहा है तो थोड़ा तो समझो इस चीज का मतलब, अपने देश के लिए कर रहा है कि अपने अपने लिए कर रहा है। 21 डेज का लॉकडाउन है, ये हम सबके लिए है और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके आप घर पे रहो। वैसे भी यहाँ की जनता कहाँ रिक्वेस्ट मानती है, जब तक डंडे ना पड़े। स्कूल वाला हिसाब कर देते हैं इंडिया में, तो जैसे स्कूलों में होता ना क्लासों से बंक करना, क्लास से भागना, बाद में फिर डंडे, यहाँ भी घर से निकलो डंडे फिर घर पे, तो ये चीज़ें मत करो। पुलिस वाले भी मजबूर हैं मारने के लिए। वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, अपना पूजा पाठ घर पे करो, सेफ रहो, दैट्स इट। ऐसा मत सोचो कि नहीं फैलता, बहुत जल्दी फैलता है ये, बहुत ही स्पीड से फैलता है। जैसे मोदी जी ने बोला था कि 3-4 दिन में 1,00,000 तक जा सकता है, तो मत सोचो कितना फैल सकता है। राइट।
कितने दिन रह गए और 10-12 दिन रह गए, इतने दिन टिक जाओ घर पे बस। तो गाइस ये वीडियो हम नहीं चाहते इसको लाइक मिले ना मिले, लेकिन जिसको ज़रूरत है तब वहाँ तक ये शेयर करो कि मेरे साथ जुड़े हुए सब लोग हैं सेफ रह सकें अपने घर में रहें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वीडियो का मकसद है बिल्कुल कि अपने जो लोग हैं अपने भाई बंधु सब सेफ रहें। तो ठीक है, अपना सेफ, stay happy and stay healthy.